हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नाइस इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा दोस्तों नो सिग्नल प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे मेरे। तो दोस्तों, आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे दबा देना है। और उसके बगल में एक बेल आइकन घंटी मिलेगी, उसे ऑल नोटिफिकेशन घंटी को ही दबाना है। दोस्तों, वो दबाने से मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे नो सिग्नल होता है। तो दोस्तों, कई बंदे का कमेंट आता है हमारे पास कि सर, मेरा ये नो सिग्नल प्रॉब्लम सही नहीं हुआ है। तो आपको यही बताऊंगा कि क्या करना है आपको। तो सबसे पहले आप लोग यही गलती करते हैं कि मतलब जैसे कि आपका टीवी नो सिग्नल, मतलब ये छतरी MPG2 रिसीवर है, देख सकते हैं ये नो सिग्नल लिखने लगता है। तो आप सबसे पहले इसको आप चैनल को डिलीट कर देते हैं, यही गलती आप करते हैं। तो यहाँ पे नो टीवी प्रोग्राम फाउंड लिखा आ जाता है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे रेडियो चैनलों को भी आप लोग यही गलती करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो आपको डिलीट नहीं करना है दोस्तों। आप डिलीट कर देते हो तो यहाँ पे लिखा आ जाता है नो रेडियो प्रोग्राम फाउंड या नो टीवी प्रोग्राम फाउंड। जैसे यहाँ पे लिखा आ गया है नो टीवी प्रोग्राम फाउंड, दोस्तों यहाँ पे खाली हो गया है, एक भी चैनल नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे इसको नो सिग्नल प्रॉब्लम को ठीक करना पड़ेगा, कैसे ठीक कर पाओगे, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये नो टीवी प्रोग्राम या नो टीवी प्रोग्राम फाउंड को ठीक कैसे किया जाता है। तो वीडियो पे बने रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोग्राम सेटअप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम सेटअप, यहाँ पे आ जाना है। और उसके बाद ऐड न्यू प्रोग्राम। दोस्तों, एक और बात बता देता हूँ आप लोग, मतलब ये नो सिग्नल दिखाई देता है तो आप लोग ऑटो स्कैन करते हो, यहाँ पे ऑटो स्कैन करते हो तो यहाँ पे नो सिग्नल, मतलब सिग्नल नहीं रहेगा तो ऑटो स्कैन भी नहीं होगा। यहाँ पे सिग्नल भी, मतलब सिग्नल रहेगा तभी यहाँ पे चैनल दोनों में आएगा, रेडियो चैनल और टीवी लिस्ट चैनल। तो दोस्तों, सिग्नल नहीं रहेगा तो आएगा ही नहीं। तो देख सकते हैं ये 35% हो गया है, लेकिन सिग्नल आया ही नहीं। तो आपको ये गलती नहीं करना है, ऑटो स्कैन नहीं करना है। ऑटो स्कैन करोगे तो चैनल नहीं आएगा, जब तक सिग्नल रहेगा तभी चैनल आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक भी चैनल नहीं आया, अब तक आ जाता चैनल, सिग्नल रहता तो आ जाता, 60% से चालू हो जाता है सिग्नल, मतलब वो चैनल आने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नल आया ही नहीं। आपको पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे 100% होने वाला है, लेकिन अभी तक एक भी चैनल नहीं आया। यही गलती मत करना है दोस्तों, सिग्नल मतलब वो ऑटो स्कैन नहीं करना है। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वही करना है आपको, तो वो करने से आपका सिग्नल आ जाएगा। तो देख सकते हैं नो प्रोग्राम फाउंड लिखा रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग बहुत ही आसानी से देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, बैक आ जाना है और यहाँ पे ऐड न्यू प्रोग्राम, देख सकते हैं ऐड न्यू प्रोग्राम पे आ जाना है। और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग टिप्पी हम डाल रहे हैं, वही आपको करना है। देखिए 38, यहाँ पे 38.10 कर देना है। और नीचे वाला यहाँ पे 29500 कर देना है, यहाँ इसको भी कर देना है। हो गया दोस्तों, इतना ही कर देना है। और उसके बाद छत पे जाना है और किसी बंदे को यहाँ पे टीवी के पास बुला लेना है, वो जैसे ये सिग्नल बढ़ेगा वो बोलेगा कि हाँ इतना परसेंट आ गया है। तो चलिए छतरी की ओर चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं सेट करके। तो फ्रेंड्स, हम छतरी की तरफ आ गए हैं, देख सकते हैं ये मेरा कोई डिश, मतलब ये सेटेलाइट ट्रैक नहीं हुआ है, किसी डिश मतलब किसी सेटेलाइट पे ये सेट नहीं हुआ है दोस्तों, ये केवल नो सिग्नल प्रॉब्लम हो गया है। तो चलिए इसको हम सेट करते हैं उसी सेटेलाइट, उसी मतलब टिप्पी पे जो हम डाल कर आए थे, 38.10, 29500 और भी यही दोस्तों स्ट्रांग टिप्पी है। तो सेट करते हैं हम, देख सकते हैं इसको, इसको यहाँ से हल्के हल्के इधर करना है, मतलब आप एडजस्ट करोगे तो आपका सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नीचे से आवाज़ आ गया है दोस्तों कि आ गया है सिग्नल। चलिए अब नीचे की तरफ देखते हैं कि मेरा सिग्नल सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली देख सकते हैं आप लोग
यहाँ पे वही टीपी डाला था 0 38 10 29 500 V, देख सकते हैं आप, यही टीपी को सेव कर लेना है और देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद आपको पीछे बैक आना है और उसके बाद ऑटो स्कैन पे आना है और इतना सब रहने देना है, यहाँ पे ऑल फ्री कर देना है देख सकते हैं, और उसके बाद ओके कर दीजिए। अब देखिए आपका 100% चैनल आ जाएगा, टीवी चैनल लिस्ट और रेडियो चैनल लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा ऑटो स्कैन होने लगा दोस्तों। और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर भी मैं डिश से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे सभी चैनल आ रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बंदे गुजराती वाला चैनल आ गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक सिग्नल रहेगा तभी आपका ऑटो स्कैन होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 63% हो गया है, बोले थे कि 60% चला जाता है तो सभी चैनल आने लगता है, देख सकते हैं सभी चैनल आ रहा है धीरे धीरे करके, आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये फेक वीडियो नहीं है, ये ओरिजिनल वीडियो है दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ऑटो स्कैन हो गया है, देख सकते हैं सभी चैनल मेरा चलने लगा दोस्तों। जिन जिन भाइयों का ऑटो स्कैन करने में तकलीफ़ हो रही है, ये वीडियो आकर ज़रूर देख लीजिए और अपना डिफ्रेडिस या कोई सा भी डिश सेट कर सकते हो, सही कर सकते हो। कोई मिस्त्री आता है तो 250 रुपया इसी काम के लिए ले लेता है दोस्तों, आप घर पे आकर अपने आराम से इसको सेट कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।